जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान से हूँ। आज हम बात करें मकर राशि वालों की, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि यदि आप मकर राशि वालों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो राशि को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका स्वागत है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो 8126476399 पर व्हाट्सअप कीजिएगा। बिल्कुल भी कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, वो भी समस्या को, हाय हेलो मत लिखिए, सिर्फ समस्या लिखिए कि ये दिक्कत है, अपना नाम के साथ छोड़ दीजिएगा। तो बात करेंगे आज हम मकर राशि वालों। दिन आपका बढ़िया है, धन संपत्ति, परिवार, प्रेम, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन सब एवन है, सिर्फ स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मकर राशि वालों थोड़ा सा हो सकता है आँखों में प्रॉब्लम हो जाए आपकी, आँखों से संबंधित थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसको ध्यान रखना है। और सूरज की बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में आपको बाहर नहीं जाना है, थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तनाव, गुस्सा, चिंता भी आपको बच के रहना है। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि धन संपत्ति के मामले में आपका टाइम बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट में भूमि, जमीन, पैसे ऐसे लगा सकते हैं। आपकी लोकप्रियता भी होगी, परिवार में आपको बहुत अच्छा माना जाएगा, लोकप्रियता में आपके इजाफा होगा और आपको परिवार में एक अच्छे सदस्य के रूप में स्वीकृति मिलेगी। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज कर सकते हैं, लव मीट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या पति पत्नी को भी फूल देंगे, प्रपोज करेंगे, बोलेंगे कि आप उनसे प्यार करते हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा है, क्योंकि इससे आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे और मजबूत होने वाले हैं। मौज मस्ती कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, प्रभावशाली लोगों के साथ भी आप आ सकते हैं, तरक्की करेंगे, बढ़िया है टाइम। जीवन साथी, प्रेम, विवाह सब कुछ बढ़िया है। व्यवसाय के मामले भी आपका टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं कोई नया तो आप सोच सकते हैं, कोई आपको नई डील मिलती है तो डील भी कर सकते हैं। भाग्य अंक आपका 3 रहेगा, जो मैंने आपको बता दिया है, और जो आपके लिए अच्छा कलर है वो नारंगी या सुनहरा रहेगा। नारंगी या सुनहरा रंग आप अगर पहनेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य को और अच्छा बनाने के लिए सोने या तांबे की चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोना या तांबा, ठीक है, तांबे का बर्तन में पानी पीते, तांबे के चम्मच से खाना खा सकते हैं, इससे आपको स्वास्थ्य में आपको अच्छा रहेगा। और इसके अलावा भगवान शिव का चिंतन कीजिए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, भगवान शिव की शरण में जाइए, सूर्य देव के लिए सामने जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कीजिएगा, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय कर लीजिएगा, बाकी आपका दिन अच्छा है, बढ़िया है, और उम्मीद है कि आपको राशिफल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। थैंक यू।